नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में स्वागत है। तो दोस्तों, इस कड़ी के अंतर्गत आज हम चलेंगे हमारी जो संस्थाएं हैं, जो महत्वपूर्ण संस्थाओं से प्रश्न बनते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम पहली संस्था के अंतर्गत बात कर रहे हैं, अंतर्राज्यीय परिषद। इससे आपके लगातार एग्ज़ामों में कई बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए चर्चा करें हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियां मिलते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिएगा हमारी जो पहली संस्था है वो अंतर्राज्यीय परिषद है। तो यहाँ पर दोस्तों है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। तो यहाँ इतने टॉपिक से ही प्रश्न आपके बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे इन एग्जांपल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होती है, तो आप तुरंत उत्तर देंगे अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होती है। आगे बात करेंगे अंतर्राज्यीय परिषद है क्या। तो दोस्तों, ये क्या है, केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने वाली एक संस्था है। क्या है दोस्तों, केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय स्थापित करने वाली एक प्रमुख संस्थाओं में से एक मानी जाती है। तीसरा प्रश्न बनता है कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो आप बिना किसी बेहिचक के आप यहाँ पे कहिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे तीन गोले हैं आपके, तीन प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से मिल जाते हैं जो आपके हाल ही में एग्ज़ाम हुए, चाहे वो पेट हुए हों या टेट के अंतर्गत हुए हैं या अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनके अंतर्गत यदि ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तो आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा रही है, जो केंद्र राज्य के मध्य संबंधों को समन्वय स्थापित करने के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस संस्था की स्थापना की जाती है। आप एक पेन कलम लेकर अपनी कॉपी पर इसे दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए या आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलिए, आगे बात है दोस्तों, अगला है इसकी स्थापना, यानी जो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई दोस्तों वो हुई थी जून 1990 में। ठीक है दोस्तों, जून 1990 में इस संस्था की स्थापना भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, अगर बात करें कि तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 10 अक्टूबर 1990 को। तो दोनों डेटे महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राज्यीय मंत्रिपरिषद की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी जून 1990 के अंतर्गत और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वह हुई थी दोस्तों 10 अक्टूबर 1990 को। आगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लगातार एग्जाम पूछे गए हैं। यहाँ से दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं पूछा जाता है। अभी हाल ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत से विद्यार्थियों ने, बहुत सारी छात्राओं ने ये चर्चा के लिए विषय रहा कि दोस्तों इस पर क्या होगा। तो अगर आपके सामने भी ऐसे प्रश्न आए हैं तो उन प्रश्नों को मैं चाहूँगा कि दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझ तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये इस पर चर्चा करते हैं कि अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है दोस्तों आपका, ठीक है, अध्यक्ष की बात करेंगे दोस्तों तो वो होगा आपका प्रधानमंत्री। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा जो मनोनीत केंद्रीय मंत्री होते हैं वे इसके सदस्य होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा दोस्तों, सभी राज्यों के और केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें दोस्तों, ऐसे दे देता है कि इनमें से कौन संघ अंतर्राज्यीय मंत्रिपरिषद का सदस्य, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य नहीं है या है, या ए बी सी डी इसमें से है, ए बी सी डी डी इसमें से, ऐसा इस प्रकार प्रश्न बनाया जाता है जो आप अपने परीक्षाओं में देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फिर से देखिएगा, प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा मनोनीत जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उसके सदस्य होते हैं। दूसरा, सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं संघ राज्यों के प्रशासक भी इसके सदस्य होते हैं। अगर सभी राज्यों कहा जाए दोस्तों, हमारे यहाँ 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत राज्य हैं जो वर्तमान में, क्योंकि इनकी स्थिति बदलती रहती है तो ये ध्यान रखिएगा। तो सारे जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ दोस्तों संघ राज्य के सभी प्रशासक भी इसके सदस्य होते हैं। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे बात करेंगे दोस्तों,
अंतरराज्यीय परिषद की जो बैठक होती है वर्ष में 3 बार होती है। कितनी बार दोस्तों? वर्ष में 3 बार होना आवश्यक है इसका, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। दोनों पार्ट को नोट करिएगा कि जो अंतरराज्यीय परिषद होती है इसकी स्थापना वर्ष में 3 बार होती है और इसकी जिसकी अध्यक्षता जो दोस्तों वो करता है वो भारत के प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाता है। अगर दोस्तों कभी कभार ये मामला होता है कि प्रधानमंत्री साहब नहीं हैं या प्रधानमंत्री जी नहीं हैं तो जो अंतर्राज्यीय परिषद होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इस प्रश्न का सही जवाब होता है जो कैबिनेट स्तर का जो भी मंत्री नियुक्त किया गया होगा, जिसको जिम्मेदारी दी गई होती है, वो इसकी अध्यक्षता करता है, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे राज्य मंत्री, चाहे वो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे जो कैबिनेट स्तर का मंत्री जो हो। दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि मंत्री 3 होते हैं, आप सभी को पता होगा, कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री और राज्य स्तर के मंत्री। तो इसमें दोस्तों कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होगा प्रधानमंत्री के अनुपस्थित में वो यहाँ पर अध्यक्षता करेगा। आगे देखिए दोस्तों, परिषद की बैठक के लिए आवश्यक है कि कम से कम 10 सदस्य होना आवश्यक है। अगर अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक हो रही है दोस्तों उसमें संख्या के 10 सदस्य होना आवश्यक होता है, जिस पर ये चर्चा करेंगे। आगे चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट है, अब आते हैं ये संस्थाओं के कार्य देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की जो संस्था है उसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, आपसे यहाँ भी प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आप यूजीसी नेट के अंतर्गत परीक्षा दे रहे हैं तो ये भी आपके टॉपिक के अंतर्गत, सिलेबस के अंतर्गत पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में एक माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य देखते हैं। सबसे पहला कार्य क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, ठीक है, राष्ट्रपति को परिषद के कार्यों को निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय परिषद को स्थापित करने या उसके शक्ति सबके कार्य कर्तव्यों को अवलोकित करने का कार्य किसका है? तो अनुच्छेद 263 के अंतर्गत ये हमारे देश के राष्ट्रपति को या शक्ति या कार्य करने की आज़ादी दी गई, जो हमसे प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल से द्वारा करवाता है। तो देखिए पहला कार्य देखिएगा दोस्तों फटाफट, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों की जाँच करने के संबंध में सलाह देता है। जो अंतर्राज्यीय परिषद है ये दोस्तों अगर केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों की जांच के लिए आदेश देता है और इससे संबंध में सलाह देना इसका काम है। तो इनकी सुनवाई कौन करता है दोस्तों? अगर जो केंद्र राज्य के संबंध में अगर कोई विवाद होता है दोस्तों, इसकी सुनवाई कौन करता है? तो दोस्तों ये करता है हमारे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो न्यायपालिका है वो करती है, इस बात को भी याद रखिएगा। आगे दूसरा पॉइंट है दोस्तों, विभिन्न राज्यों यानी अलग अलग राज्यों, केंद्र तथा राज्यों के समान हित के वाले विषयों पर अन्वेषण यानी खोज और विचार विमर्श करना इनका कार्य होता है। जो हमारी अंतर्राज्यीय परिषद होती है दोस्तों वह विभिन्न राज्यों, अलग अलग राज्यों और केंद्र राज्यों के समान हित को लेकर भी कार्य करती है तथा साथ ही साथ इनके खोज विचार विमर्श और इनके विकास के कार्यों के लिए भी काम करने का कार्य करती है। अगला पॉइंट है दोस्तों और इसका अंतिम है, विभिन्न विषयों जैसे किस पर कानून बनना है, किस पर नहीं बनना है, ऐसे, ठीक है, विभिन्न विषयों तथा नीतियों के क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करना इसका कार्य होता है। यानी जो भी हो केंद्र और राज्यों के मध्य जो भी कार्य निर्धारित किए जाते हैं, विषय निर्धारित किए जाते हैं, कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, उसको सुचारू रूप से संचालित करवाना या इनकी सिफारिश करना ये अंतर्राज्यीय परिषद का कार्य होता है। तो दोस्तों कुछ मोटे मोटे पॉइंट से मैं आपसे यहाँ प्रश्न कर रहा हूँ, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आपसे सीधा प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, पहला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे दिए कि अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो दोस्तों ये दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, मुझे आशा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका यह जो संस्था का कार्य होता है ये पूरा होता है। अगली संस्थाओं में हम फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये आपकी संस्था है, आपका परिवार है, जिसे विद्यार्थी परिवार दिया गया है। इच्छा आपकी दोस्तों, आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। तो दोस्तों फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।